दोस्तों आज हम आपको बताएंगे आपकी न्यूट्रल अगर कॉमन है तो आपका बिल ज़्यादा किस तरह आ सकता है। तो ये हमारे पास दो डिजिटल मीटर हैं, तो ये जो है ये हमारे पास दो मीटर हैं डिजिटल, और ये हमारे पास है 200 वाट का बल्ब। इनको हमने जो मेन लाइनें लगा दी हैं दोनों तरफ वापडा की, ठीक हो गया। और अभी हम जो है लोड डाल के दिखाता हूँ मैं आपको कि आपका बिल ज़्यादा आने की एक ये वजह भी हो सकती है, वो क्या है तो अभी हम देखते हैं। ये जो 200 वाट का बल्ब है इसकी हमने जो फेस की तार है इधर लगाई है, और न्यूट्रल की तार भी हम इसी मीटर के अंदर लगा देते हैं। अभी ये चेक करें कि ये लाइट जो है ये हमारी मीटर ऑन हो गया और लाइट जो है ब्लिंक करना शुरू हो गई है। ये देखिए ये ब्लिंक करना शुरू हो गई है, और दूसरे मीटर की लाइट ब्लिंक तो नहीं कर रही, ये चेक करें ज़रा। जो देखें एक लाइट ब्लिंक कर रही है और दूसरे की लाइट ब्लिंक नहीं कर रही, क्योंकि उसके ऊपर लोड नहीं है, ठीक हो गया। अभी हम करेंगे क्या, अभी हम ये करेंगे कि फेस इस मीटर का लेंगे और न्यूट्रल जो है वो इस मीटर की लगाएंगे, तो फिर चेक करते हैं फिर क्या होता है। ये देखें अब फेस उसका है और न्यूट्रल इसकी है, अब चेक करते हैं क्या होता है। ये देखें अभी दोनों मीटर हमारे चलना शुरू हो गए हैं, इसके अलावा हमारे पास कोई और लोड नहीं लगा हुआ। आप चेक कर सकते हैं ये दोनों हमारे जो पॉइंट हैं वो खाली हैं, और ये देखें सिर्फ हमारे पास 200 वाट का बल्ब चल रहा है और दोनों मीटर हमारे चल रहे हैं। ये वजह है आपका बिल ज़्यादा आने की। अगर आपका इस वजह से बिल ज़्यादा आ रहा है तो आप अपनी जो न्यूट्रल है अंदर वायरिंग की जो न्यूट्रल है उसको आप सेपरेट करवाएँ, और आपके जो बिल जो बनता है जो आपका लोड चल रहा है सिर्फ उसी का जो है वो बिल आएगा, वरना आपका जो है दोनों मीटर चलते हैं। क्योंकि अगर न्यूट्रल लाइन दोनों अंदर से मिक्स हैं, अगर दोनों आपकी वायरिंग अंदर से मिक्स है, वायरिंग की न्यूट्रल जो है वो सारी मिक्स है, तो उसकी वजह से दोनों मीटर अभी आपके सामने ऑन चल रहे थे, इसी वजह से आपका बिल ज़्यादा आता है। अगर आपका न्यूट्रल सेपरेट है अलहदा, तो फिर सिर्फ आपका अपना ही मीटर चलेगा, दूसरा मीटर नहीं चलेगा। तो ये नुकसान से आप बचें और अपनी जो है वायरिंग चेक करवाएं और अपनी न्यूट्रल जो है वो सेपरेट करवाएं। ये जो लाइट है ये हमारी है पावर की लाइट, और ये जो लाइट होती है ये हमारी होती है मीटर का लोड कितना चल रहा है, जितना मीटर तेज़ चल रहा है उस हिसाब से ये लाइट ब्लिंक करती है।